टॉप फैक्ट्स अबाउट बैंकॉक। वैसे तो गाइस बैंकॉक एक डेवलप्ड सिटी है, लेकिन इसके भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको चौंका देंगे, शायद बहुत ज़्यादा चौंका देंगे। तो शुरू करते हैं, बैंकॉक का नाम जानना चाहूँगा। बैंकॉक तो गाइस इसका निकनेम है, इसका पूरा नाम है क्रुंग थोप महान कोन आमोन रत्न कोसीन महिंत्रा अयुक्ता महा दिलोक फोप नोपचरत रतन चथानी बुरोथम उदिंतरा निवते महा शानन अमोन पिमन अवतत सती सकातित्य विवादसु कम प्रसिद्ध। ओ माय गॉड, चलो आप तो बोलकर ही दिखाओ, मुझे पता है नहीं बोल पाऊंगे, चलो छोड़ो। अब एक फैक्ट ये भी जानो, हेलो मसाज, पूरे बैंकॉक में आप सबसे ज़्यादा इसी वर्ड को सुनोगे। जी हाँ गाइज, और गाइज अगर आप रियली में मसाज लवर हो तो ये बैंकॉक आपके लिए ही है। यहाँ वेकेशन मनाना आपके लिए राइट होगा। यहाँ मसाज के पर और 100 बट जो यहाँ की करेंसी है। रिफ्लेक्सोलॉजी और दिन भर के पैकेट से लेकर डेली करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और अमेजिंग फैक्ट गाइज ये भी है कि आपको यहाँ पर रोड पर सबसे ज़्यादा मसाज शॉप्स ही मिलेगी, जो पर होर 50 to 100 बट खर्च करके आप मसाज का मजा ले सकते हैं, जिसमें फेमस है हेल्थ लैंड, बॉडी ट्यून और भी बहुत सारी। तो इसी वीकेंड जाइए और इन्जॉय कीजिए इस सिटी में। लेकिन गाइज यहाँ की करेंसी अगर आपके हाथ में है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, बिकॉज यहाँ करेंसी पर पैर रखना या सम्मान नहीं करने पर जेल तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ की करेंसी पर यहाँ के प्रमुख भगवानों के चित्र बने होते हैं। ये तो एकदम सही है यार। और जो भी टेम्पल आपको कॉइन्स पर दिखेंगे वह सभी बैंकॉक में ही है। ऑल ऑफ द टेम्पल पिक्चर ऑन थाई बट कॉइन्स आर इन बैंकॉक। अब गाइज एक फैक्ट सुनो, जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। थर्ड जेंडर वॉशरूम, जब नेचर कॉल होता है तो हम वॉशरूम की तरफ दौड़ते हैं, और आप गलती से थर्ड जेंडर वॉशरूम में चले जाओ तो क्या होगा? ओ शिट, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा ही है। वैसे तो हर जगह मेंस और वुमेन्स टॉयलेट है गाइज, बट वहाँ थर्ड जेंडर लेडी बॉय के लिए टॉयलेट बनाया गया है, और ये बनाने वाला दुनिया का पहला शहर है। वहाँ हर जेंडर को एक समान समानता मिलती है, जबी तो ये एक औसम शहर बनाता है इसे। टैक्सी कलर कोडेड पिंक येलो ग्रीन रेड, वहाँ ऐसे ही कलर्स की टैक्सी होती है गाइज, और ये कलर्स अलग अलग कंपनी के सिंबल है, तो आपको कौन सा कलर पसंद है? और वैसे तो ये दुनिया का सबसे गर्म शहर है, तो ध्यान रखना अगली बार जाने से पहले अम्ब्रेला जरूर लेते हुए जाना गाइज। गाइज अब थोड़ा वहाँ के लॉज जानते हैं। फर्स्ट लॉ, आप अगर विदाउट अंडरवियर घर से बाहर निकले तो ये एक आपको सजा का प्रारूप हो सकता है। वैसे ही यार कौन पहनना भूलता है इसे। और अगर गाइज किसी भी मजाक के चलते अगर आपकी आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई और आपने मजाक में उसके एक ड्यूरियन वही कांटों वाला फल मारा तो वह एक अवैध है, और आपके फ्रेंड्स को कितने कांटे लगे हैं उसी हिसाब से आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आपका फ्रेंड केस फाइल करे तो, हाँ मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ध्यान से, बिकॉज हर एक फ्रेंड कमीना होता है गाइज। और यहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी बैन होता है, इसे फालतू में ही बदनाम किया जाता है। और सुनो गाइज, रेड बुल का नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ तो इसका आविष्कार भी यही हुआ है, जो एक मल्टी बिलियन का बिजनेस है। इसका मैन्युफैक्चरिंग शेलो ओजो विद्याक ने बनाया था, और अब ये ड्रिंक वर्ल्ड में लोग पसंद करते हैं। तो कैसे लगे आपको बैंकॉक के बारे में फैक्ट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज।